नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस शपथ के साथ ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी इंडिया के 15वें प्रधानमंत्री बन गए। 7 रेस कोर्स रोड के नए निवासी, भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन गुजरात चीफ मिनिस्टर की रेजिडेंस से दिल्ली के 7 रेस कोर्स रोड का सफर किसी पॉलिटिकल ड्रामा या नॉवल से कम नहीं है। 10 साल से कांग्रेस पार्टी और उनका कोलिशन सत्ता में था। नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी लगातार 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी थी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, फिर लाल कृष्ण आडवाणी की लीडरशिप में। ये दोनों सिर्फ पार्टी के नेता ही नहीं हैं, बल्कि पार्टी को बनाने वालों में से भी हैं। ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी ने चला कि वो ना सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बन गए, बल्कि उनका कद पार्टी से भी बड़ा लगने लगा है। दिसंबर 2012, अहमदाबाद। इस दिन गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। जीत पक्की हो जाने के बाद नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों के बीच आए। नरेंद्र मोदी इस जीत के साथ ही चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। ये बात उतनी अहम नहीं थी। असली बात ये थी कि पार्टी के अंदर और बाहर एक बड़ा तबका था जो ये मानने लगा था कि नरेंद्र मोदी का असली पता गुजरात चीफ मिनिस्टर का रेजिडेंस नहीं, बल्कि दिल्ली का 7 रेस कोर्स रोड है, दिल्ली का प्रधानमंत्री निवास है। तब नरेंद्र मोदी एक दिन के लिए दिल्ली आए, लेकिन असलियत में उनका प्लान लंबा था। समर्थकों के साथ साथ उनका निशाना भी दिल्ली की गद्दी पर था, और यह साफ हो गया अगले साल। मैंने कहा, क्या हाल है जी, हम सब मुख्यमंत्री कितना ही धक्का लगाए, लेकिन जिस प्रकार से आप दिल्ली चला रहे हो, ये 0.3% के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, ये हाल है दिल्ली सरकार का। जबकि गुजरात 11+ से विकास दर कर रहा है। मित्रों, 13 सितंबर 2013, दिल्ली। बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली थी, लेकिन पार्टी के नेता एक के बाद एक लाल कृष्ण आडवाणी के घर जा रहे थे। वजह थी, इसी दिन बीजेपी की सबसे महत्वपूर्ण संस्था 2014 के चुनाव का भविष्य ही नहीं, नरेंद्र मोदी का भविष्य भी तय करने जा रही थी। बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को नरेंद्र मोदी को पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर फैसला करना था। आडवाणी इसका विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि मोदी को प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार घोषित करने से यूपीए सरकार की महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। ऐसा कहा गया कि बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज की भी यही राय थी, लेकिन पार्टी के ज्यादातर नेता फैसले में देरी के पक्ष में नहीं थे। आडवाणी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में शामिल भी नहीं हुए।
नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं इसको इस तरह से कहूंगा, वो अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण मान रहे थे और ये मान रहे थे कि बाकी लोग, जैसे नरेंद्र मोदी जब से आडवाणी जी वहां से चुनाव लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी उनको उनको जिताने का काम करते हैं। आडवाणी जी पर्चा दाखिल करके चले आते थे दिल्ली और नरेंद्र मोदी सारा काम वहां करते रहे, तो उनको लगता था कि ये लोग अभी भी उसी रोल में रहेंगे। अब सारा दारोमदार पार्टी के ऊपर था, क्या बीजेपी उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर सकती थी जिसने पार्टी को बनाया था, जिसके नेतृत्व में पार्टी ने पहली बार सत्ता का स्वाद चखा था? क्या नरेंद्र मोदी का असर इतना था कि वो पार्टी को चुनाव में जीत दिला सके? दूसरी तरफ सवाल यह भी था कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? आखिरकार बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला कर लिया, नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए। घोषणा के वक्त मोदी के विरोधी रहे सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद थे। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो उसके लिए परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। नरेंद्र मोदी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए और इसके साथ ही मोदी के चुनाव अभियान का एक दौर पूरा हो गया। 2011 से उन्होंने जो कैंपेन शुरू किया है वो चुनाव का कैंपेन था, पर लोगों को पता नहीं चल रहा था। 2011 में जो उनका कैंपेन था वो ये था कि गुजरात का सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर, देश का भी सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर है, ये मोदी वर्जन 1.0 था। उसके बाद उन्होंने ये कैंपेन चलाया और विज्ञापन से भी चलाया, कम्युनिकेशन से भी चलाया, ट्विटर से भी चलाया। उन्होंने ये चलाया कि बीजेपी का सबसे उचित प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट मोदी है। बीजेपी के अंदर का घमासान थमा लेकिन बाहर शुरू हो गया। 1998 में बीजेपी कई पार्टियों के साथ कोएलिशन बनाकर सत्ता में आई थी। इसे एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम दिया गया था। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड इस अलायंस का हिस्सा हुआ करती थी। जैसे ही नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, नीतीश कुमार ने 17 साल के गठबंधन को तोड़कर एनडीए से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। आया तो बार बार संदेशा अमीर का हमसे, मगर हो न सका सौदा जमीर का। विवादित मुद्दों को अलग रखते हुए, विवादित व्यक्तित्व को अलग रखते हुए आप एक सर्व स्वीकार्य व्यक्तित्व को आगे करते, ये आपका अधिकार था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यह संभव नहीं कि हम उस चीज को स्वीकार करें जो आप चाहते हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते रहे थे। नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कत ये थी कि तब बिना सहयोगी पार्टी के सत्ता में आना नामुमकिन लगता था। साथ ही पार्टी के अंदर उनके विरोधियों की ये बात सच होने लगी थी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर दूसरी पार्टियों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बिहार में आर पार की राजनीतिक लड़ाई का ऐलान कर दिया। वो पटना में रैली करने पहुंचे। मैं मेरे गरीब मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं, मैं गरीब हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, मेरा गरीब हिंदू भाई बताएं, मेरा गरीब हिंदू भाई मुझे बताएं, क्या आपको मुसलमान के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? किसके खिलाफ लड़ना है? किसके खिलाफ लड़ना है? मैं गरीब मुसलमान को पूछता हूं, आपको हिंदू के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? मेरे मुसलमान भाई को पूछता हूं, आपको गरीबी के खिलाफ लड़ना है कि हिंदू के खिलाफ लड़ना है? भाइयों बहनों, गरीब हिंदू को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, गरीब मुसलमान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है। अगर हम दोनों को गरीबी के खिलाफ लड़ना है, आओ हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के हम गरीबी को परास्त करें। नीतीश कुमार ने बड़ी राजनीतिक चुनौतियां पेश की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी गुजरात के बाहर पार्टी को जीत दिला सकते हैं या नहीं, गुजरात के बाहर नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्टी को वोट मिलेगा या नहीं,
इसकी परीक्षा हो रही थी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। 2014 के आम चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था। नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों में जमकर चुनाव प्रचार किया। मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया के होते हुए जीत का क्रेडिट नरेंद्र को मिला। एक तरफ चुनाव में जीत और दूसरी तरफ 2013 के दिसंबर महीने में अदालत में नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत मिली। दरअसल मई 2010 में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी थी, जिसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला बंद करने की सिफारिश की गई थी। कोर्ट ने इस सिफारिश को मान लिया। निचली अदालत की इस राहत ने जैसे नरेंद्र मोदी को एक सर्टिफिकेट दे दिया। चुनाव में जीत, फिर अदालत में राहत। नरेंद्र मोदी इसके साथ साथ छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ने का काम कर रहे थे, जैसे बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उत्तर प्रदेश में अपना दल। इस मुहिम में सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब रामविलास पासवान ने यूपीए छोड़कर एनडीए में शामिल होने का फैसला किया। नीतीश जी कुछ दिन पहले तक हमको सर्टिफिकेट देते थे कि रामविलास पासवान बहुत अच्छे आदमी हैं, रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री हम बनाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट देते थे, लालू जी सर्टिफिकेट देते थे। और आज जब रामविलास पासवान राष्ट्रीय गठबंधन में आ गया तो रामविलास पासवान बहुत खराब आदमी बन गया। इनके साथ रहने पर बहुत अच्छा, इनके साथ नहीं रहने पर बहुत खराब। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी जितना अलायंस के धर्म को निभाती है, जितना गठबंधन के धर्म को निभाती है, उतना शायद ही दूसरा यूपीए नहीं निभाती है। रामविलास पासवान के पास तब एक भी सांसद नहीं थे, लेकिन बिहार में उनके समर्थकों की संख्या बड़ी थी। और रामविलास पासवान वो शख्स थे जिन्होंने गुजरात में दंगों के नाम पर एनडीए छोड़ा था और अब वो एनडीए में दोबारा थे। इसी तरह तमिलनाडु हो या मेघालय, हर जगह छोटी छोटी पार्टियों को एनडीए से जोड़ा गया और इसे बड़ी सफलता के तौर पर पेश किया गया। लगता है कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपकी वजह से सीटें आएं, लेकिन आपकी वजह से कुछ दल समर्थन करने से परहेज करें तो वो आंकड़ा जो है वो कम रह जाए। मैं साफ मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एकदम क्लियर कट मैंडेट के साथ शासन में आएगी। एनडीए के साथियों के कारण ताकत और बढ़ेगी। और दूसरी बात है, हमारे देश में परसेप्शन के आधार पर बहुत चीजें चलाई जाती है। हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है कि प्री पोल अलायंस 25 दलों के साथ हुए हो, ऐसा हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ है। दिस द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि प्री पोल अलायंस बीजेपी प्लस 25 पार्टीज का है। नरेंद्र मोदी की जीत में रामविलास पासवान, चंद्रबाबू नायडू, उद्धव ठाकरे की पार्टियों ने हर राज्य में अहम भूमिका निभाई। लेकिन शुरू से नरेंद्र मोदी जानते थे कि अगर अपने दम पर बहुमत चाहिए तो बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत मिले। उत्तर प्रदेश में जीत मिली, वो भी ऐसी कि जिसकी अपेक्षा खुद बीजेपी ने भी नहीं की थी। नरेंद्र मोदी ने यूपी में जीत का श्रेय अमित शाह को दिया। कांग्रेस पार्टी 30 राज्यों में जे भेगू करियो एना करता डबल अमित भाई एकला उत्तर प्रदेश में करियो। मोदी को यह मालूम था कि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जीत का झंडा गाड़े बिना दिल्ली में मिशन 272 प्लस का सपना कभी पूरा नहीं होगा।
शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने करीबी और चुनावी राजनीति के माहिर रणनीतिकार अमित शाह को उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाने का काम सौंपा। अमित शाह पिछले साल उत्तर प्रदेश पहुंचे। नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी, पार्टी का कोई बेस नहीं था और जो उनके इंटरनल डिफरेंसेस थे, बहुत सारे नेता थे और वो कोई भी किसी को नेता नहीं मानता था अपना। उन्होंने बूथ मैनेजमेंट करा, केडर को एक्टिवेट करा जो बिल्कुल डिमोरलाइज्ड हो गया था जब से बीजेपी नीचे गिरने लग गई थी, और उसके अलावा इनफाइटिंग खत्म हो गई क्योंकि जब एक लीडर आ जाता है तो उसके बाद जितने डिफरेंसेस थे वो कम होने लग गए। तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ अ पोलिटिकल इलेक्शन। बीजेपी को पता था कि बूथ स्तर पर जब तक अच्छी रणनीति नहीं बनेगी तब तक बेहद उलझे हुए जातीय समीकरण वाले उत्तर प्रदेश में जीत मुमकिन नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 1.32 लाख पोलिंग बूथ हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने हर बूथ के लिए 10 कार्यकर्ताओं की एक बूथ कमेटी बनाई। इसमें 4 दलित, 2 पिछड़े वर्ग के सदस्य, 2 ब्राह्मण और आरएसएस या विद्यार्थी परिषद से 2 कार्यकर्ता शामिल किए गए। इसके अलावा बूथ से जुड़े इलाकों में लोगों को बीजेपी की विचारधारा और मोदी की तरफ आकर्षित करने के लिए 20 यूथ पर बूथ स्कीम भी चलाई गई। इसके तहत युवाओं को ये जिम्मेदारी दी गई कि वे संबंधित इलाके से घर घर जाकर प्रचार करें और चुनाव के दिन ये सुनिश्चित करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग बूथ तक आकर बीजेपी को वोट दें। शाह ने हर बूथ के लिए ऐसी व्यूह रचना रची। तो जो ये कहते हैं ना, एक सिनर्जी डेवलप करना बिटवीन आरएसएस, अपना कार्डर जो कि बिल्कुल डिमोरलाइज्ड है, प्लस कैंडिडेट, प्लस पार्टी, एंड सबसे ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट था मोदी जी का चेहरा। गुजरात से वो बाहर आए तो लोगों को लगा पता नहीं क्या लेकर आए हैं और क्या दे देंगे। अमित शाह के निर्देश पर काम कर रही बूथ कमेटी ने सपा और बसपा के जातीय आधार में जबरदस्त सेंध लगाई। दरअसल बूथ कमेटी न सिर्फ वोटरों के बीच काम कर रही थी बल्कि किस सीट से कौन लड़ेगा इसमें भी उनकी अहम भूमिका होती थी। नरेंद्र मोदी बनारस से उम्मीदवार होंगे, ये फैसला भी एक बड़ी रणनीति के तहत किया गया। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिली। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के प्रति एक बड़ी लहर का अनुभव पहले से आता है, और जब मोदी जी ने तय किया कि वो उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे, वाराणसी से लड़ेंगे, तो वो लहर अपने आप सुनामी में तब्दील हो गई और परिणाम आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों में से 73 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसी तरह नरेंद्र मोदी की रैलियां कहां होंगी इसमें भी अमित शाह की बूथ कमेटी की भूमिका होती थी। बूथ कमेटी से राय लेने के बाद ही अमित शाह नरेंद्र मोदी की रैली के आयोजन स्थल को तय करते थे। रैली के बाद जाते समय हर कार्यकर्ता को मोदी के मिशन और विजन की ब्रीफिंग दी जाती थी ताकि वो लौटकर अपने इलाके में लोगों को मोदी की लहर के बारे में बता सके। तो कुछ इस तरह उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई की तैयारी हुई और जीत मिली। लेकिन मिशन मोदी का ये एक हिस्सा था। नरेंद्र मोदी को पूरे देश से समर्थन चाहिए था, लिहाजा नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे चुनावी अभियान की शुरुआत की जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक ऐसा चुनावी अभियान जो पॉलिटिकल होने के साथ साथ किसी प्रोडक्ट या किसी सामान की मार्केटिंग जैसा था। एक ऐसा चुनावी अभियान जिसमें हर उस तरीके का, हर उस साधन का इस्तेमाल किया गया जिससे मतदाताओं तक पहुंचा जा सके। इसे मिशन 272 प्लस का नाम दिया गया।
बीजेपी के चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत कब हुई ये कहना मुश्किल है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह की सफलता मिली उससे ये बात साफ हो गई कि चुनाव की लंबी और गहरी तैयारी की गई थी। इस तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार के केंद्र में रखना। मोदी के नाम पर वोट मांगा जाने लगा, पोस्टर छपने लगे, टीवी एड बने। अब की बार मोदी सरकार। इस अभियान से पार्टी और प्रत्याशी ओझल हो गए, मोदी को सेंटर स्टेज मिल गया। मतदाताओं के पास अब सिर्फ दो विकल्प थे, या तो वो मोदी को वोट दे रहे थे या नहीं दे रहे थे। मोदी को यह पता था कि इस इलेक्शन में अगर चुनाव पार्टी के आधार पर चलते तो ऐसा नतीजा नहीं निकलता। उनका ये मानना था अपने सोच में, अपने एक्शंस में, और जैसे उन्होंने मीडिया टीम्स को ब्रीफ किया और जैसे उन्होंने एडवर्टाइजिंग का यूज़ किया कि ये मैं कन्वर्ट करूँगा एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस की तरह, कि मैं हूँ इलेक्ट होके आने वाला सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं, मोदी सरकार। तो उनको ये उम्मीद था कि लोग जो हैं वो सिर्फ भाजपा के कैंडिडेट्स को वोट नहीं देंगे, उनका वोट जो दे रहा था वो सिर्फ सीधा मोदी के खाते पे जा रहा था। नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान को तीन अलग अलग तरीके से चलाया जा रहा था, तीन अलग अलग टीमें काम कर रही थी, लेकिन तीनों का काम एक था, नरेंद्र मोदी को एक मजबूत और निडर होकर फैसला लेने वाले लीडर के तौर पर स्थापित करना। चुनावी कैंपेन से जुड़ी एक टीम सीधे नरेंद्र मोदी से जुड़ी थी और उनका गढ़ गांधीनगर था। दूसरी टीम बीजेपी की ऑफिशियल टीम थी और तीसरी टीम पार्टी वर्कर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों की थी, जो घर घर जाकर प्रचार में लगे थे। गांधीनगर में काम कर रही टीम में प्रशांत किशोर भी थे। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट प्रशांत किशोर पहले यूनाइटेड नेशन में काम करते थे और सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस या CAG की नॉन प्रॉफिट ग्रुप के जरिए काम कर रहे थे। इसमें अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल जुड़े थे। प्रशांत किशोर ने जो किया वो अमेरिका के चुनावों में काफी पॉपुलर रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी संख्या में यंग प्रोफेशनल्स काम करना चाहते थे, तभी किशोर ने सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस या CAG नाम की पहली असरदार पब्लिक एक्शन कमेटी बनाई और उन लोगों को CAG में शामिल किया। ऐसी पब्लिक एक्शन कमिटीज ने अमेरिका के चुनाव की तस्वीर बदल कर रखती है। ये फंड इकट्ठा करती हैं और किसी कैंडिडेट या पार्टी के फेवर में प्रचार करती हैं। नरेंद्र मोदी के लिए CAG ने ही चाय पर चर्चा और 3D रैली जैसे आइडिया निकाले थे। इसलिए तो मैं कहता हूं, हो सके उतना जल्दी हमें डिजिटल इंडिया का भी सपना पूरा करना। मोदी ने सबसे पहले 2012 के विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान इसी 3D होलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल किया था। उस समय उन्होंने अमूमन 150 सभाएं की थी। मोदी से पहले भारत में इस तकनीक का इस्तेमाल कभी राजनीतिक तौर पर नहीं हुआ था। मोदी वैसे भी अपनी ब्रांडिंग से लेकर प्रचार तक तकनीक के अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करने में देश के बाकी नेताओं की तुलना में काफी आगे रहते हैं। ये अत्यंत आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। यहां तक कि गूगल हैंगआउट की ऑफर उनके पास आई तो सबसे पहले उसे मोदी ने ही लपका था। किसी भी राजनेता से ज्यादा ट्विटर पर नरेंद्र मोदी के फॉलोअर हैं और इसके जरिए वो लाखों वोटरों से सीधे संवाद कायम कर लेते हैं। ट्विटर पर मोदी का किस तरह का बोलबाला रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस साल के जनवरी से मई महीने तक 1,10,00,000 बार मोदी का जिक्र लोगों ने अपने ट्वीट्स में किया। इस इलेक्शन और अगले दो चुनाव में हमारे जो 18 से 35 साल के उम्र के वोटर्स जो हैं उनके संख्या बढ़ते जाएंगे, उनके लिए ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पुराने तरह के कैंपेन्स था
उस तरह का कैंपेन अब चलने वाला नहीं है। अब ब्रांडिंग, पर्सनालिटी बिल्डिंग, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया और ह्यूमर, ऐसे जो वेपन्स है वो सारे वेपन्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक मीटिंग्स, डोर टू डोर कैंपेन, उन सब चीज़ें की तुलना में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी कोशिशें मोदी शहरी युवा वर्ग को ध्यान में रखकर कर रहे थे और इसी का एक हिस्सा था इंटरनेट कैंपेन, जिसमें मोदी के भाषण और सोच से लेकर विरोधियों को पस्त करने के लिए जोक्स, चुटकुले तक को फैलाने का काम होता था। ये देख मैसेजेस आते कहां से है यार? ए, नया मैसेज आया हुआ है, आखिर राज उसने कह ही दिया, मैं नहीं करती तुझसे प्यार, तो हमने भी अकड़ के दे दिया जवाब, भाड़ में गया तेरा प्यार, अब की बार मोदी सरकार। पर्दे के पीछे मोदी के लिए इंटरनेट कैंपेन चलाने वाली दो टीमें हैं। दो टीमों में से एक वो है जो इंटरनेट की दुनिया में केवल मोदी के लिए काम करती है लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं है। ये टीम मोदी की सभा और उनकी अचीवमेंट को लेकर ट्विटर और फेसबुक यानी इंटरनेट कैंपेन में सबसे ज्यादा सक्रिय रही। अब की बार मोदी सरकार को लेकर इतने सारे आइडियाज आए हैं, तो ये सारे लोग आके वॉलंटियर प्लेटफॉर्म में इसको शेयर करते हैं, फिर यहाँ से लोग फिर अपने दोस्तों को के साथ शेयर करते हैं, तो ऐसे ये वायरल स्प्रेड हो जाता है। ये शशि शेखर है। शशि मोदी के लिए इंटरनेट की दुनिया में एक वेबसाइट चलाने वालों में से एक है। इस वेबसाइट का नाम है इंडिया 272। इस वेबसाइट को खुद नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इंडिया 272 प्लस विश्व में फैले हुए हर भारतीय को कहिए कि एक बार इस वेबसाइट को बारीकी से देखिए। इस वेबसाइट पर मोदी की सारी उपलब्धियां गिनाई गई है। इस वेबसाइट से जुड़कर लोग मोदी के लिए काम कर सकते थे। इस वेबसाइट का अहम काम ही था मोदी के लिए काम करने वाले वॉलंटियर्स तैयार करना जो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, जो प्रोफेशनल हो, नौकरी पेशा हो, कारोबारी हो या समाज के किसी भी तबके से हो। जो वेबसाइट है india272.com, इस पे अगर कोई भी वॉलंटियर आए तो ये उनके लिए काफी सारे फैसिलिटीज हमने क्रिएट किया है। जैसे पहली बार जब कोई आएगा तो वो यहाँ पे रजिस्टर होगा वॉलंटियर की तरह, फिर उनको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ग्रुप्स मिलेंगे। जैसे मैं बैंगलोर नॉर्थ के चुनाव क्षेत्र से हूँ तो मैं बाकी लोगों से मिलूंगा कि जो वॉलंटियर्स हैं इस कंस्टिट्यूएंसी से, फिर उनके साथ मैं मंथन कर सकता हूँ कि क्या इश्यूज यहाँ रेज करना चाहिए। फिर ये ओपन फोरम्स है, ये सबसे स्पेशल फीचर है इस वेबसाइट का कि ये ओपन फोरम्स में कोई भी वॉलंटियर आके इनपुट्स दे सकता है नरेंद्र मोदी जी के स्पीचेस के लिए। नरेंद्र मोदी के लिए काम करने वालों की कड़ी का एक बड़ा नाम है राजेश जैन। इंडिया 272 राजेश जैन की ही वेबसाइट है। मोदी के लिए पर्दे के पीछे इंटरनेट की दुनिया में जैन की करीब 100 लोगों की टीम बैंगलोर, मुंबई और गांधीनगर में काम करती है। लेकिन मोदी के लिए इतना बड़ा काम करने वाले राजेश जैन बीजेपी के लिए नहीं, मोदी के लिए काम करते रहे, यानी वो नमो की पैरेलल आर्मी के सबसे अहम किरदार रहे। इंटरनेट की दुनिया में मोदी के एक और सिपासालार रहे बीजी महेश। बीजी महेश ग्रेनियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं, जिसका भारत की स्थानीय भाषा का पहला न्यूज पोर्टल oneindia.com है। महेश राजेश जैन के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी इंडिया 272 ने नमो नंबर भी शुरू किया है। नमो नंबर आप ऐसे समझ लो कि नमो नंबर इज इक्वल टू वोट्स जो आप बीजेपी एनडीए मोदी जी के लिए ये इलेक्शन में कर रहे हो। जितना ज्यादा नमो नंबर उतना ज्यादा वोट्स, उतने ज्यादा वोट्स आपके थ्रू उनके प्रति आ रहे हैं। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। हर वोटर के पास वोटर आईडी होता है। वोटर आईडी से एसएमएस भेजने से वो अपना सपोर्ट बता सकता है। इस नमो नंबर के जरिए बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी को वॉलंटियर मिले। इन्हीं में मुंबई के चेंबूर इलाके में रहने वाले डॉक्टर धैर्य रॉय भी थे। मुझे लगा कि मोदी जी का मैसेज सबको सैटेलाइट वे में पहुंचाना काफी जरूरी है, तो मैंने ये ऐसे 200 बनाए अलग अलग फोन्स के लिए। आपके खुद के फोन पैसे से? खुद के पैसे से, खुद के पैसे से।
कुछ करना चाहते थे पार्टी के लिए, तो खुद के पैसे से हमने ये बनाया और सभी 200 वॉलंटियर्स को, 200 लोगों को दिए। काफी मेरे रिश्तेदार थे, काफी वॉलंटियर्स थे और सभी लोग खुशी से फोन पे लगाते हैं। मतलब एक तरह से आप मोदी की फौज के एक सिपाही है। मोदी के एक फौज, बड़ी फौज में हम छोटे से सिपाही है। तो कुछ इस तरह नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड लेवल पर अपनी एक पैरेलल फोर्स खड़ी कर ली। ये नेटवर्क कितना बड़ा था इसका अंदाजा आपको इससे लग सकता है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी के ऐसे करीब 4 लाख वॉलंटियर थे जो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे थे। एक और बात, ग्राउंड लेवल पर यह काम हो रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था। दूसरी तरफ जो बातें दिख रही थी वो लगातार नरेंद्र मोदी को एक मजबूत और प्रभावी नेता के तौर पर स्थापित कर रही थी। याद कीजिए, जनता माफ नहीं करेगी, अरे अच्छे दिन आने वाले हैं और अब की बार मोदी सरकार। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। बिजली के लिए तरसाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। वोटरों से सीधा संबंध जोड़ने के लिए सबसे पहले जनता माफ नहीं करेगी स्लोगन के साथ एड कैंपेन चला। अखबार और टेलीविजनों में विज्ञापनों के जरिए मोदी को केंद्र में लाने की जिम्मेदारी थी पीयूष पांडे की। पीयूष पांडे मशहूर विज्ञापन निर्माता और ओगिल्वी एंड मेदर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। पीयूष पांडे को जनवरी महीने में ये काम सौंपा गया था। ब्रीफिंग साफ थी, मोदी ही प्रचार के केंद्र में होंगे। कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, हर टीम को लेने पड़ते हैं। जब आप बात करते हैं पिछले वर्ल्ड कप की तो आप कहते हैं धोनी की टीम जीत गई। तो कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपनी टीम का फेस बन जाते हैं, और बीजेपी ने ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया था कि टीम इम्पोर्टेंट है मगर फेस और लीडर वो मिस्टर मोदी हैं। मोदी को प्रचार के केंद्र में रखने से पहले सर्वे कराया गया था। सर्वे में ये पाया गया कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नरेंद्र मोदी से जुड़ाव महसूस करती है। इसी बात को ध्यान में रखकर पूरे एड कैंपेन को नरेंद्र मोदी के चारों तरफ केंद्रित रखा गया और अब की बार मोदी सरकार जैसा नारा गूंजा। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। मैं इस खेल में एक फील्डर की तरह हूं जिसने टीम के साथ में खेला है, और अब की बार मोदी सरकार एक बड़ी सिंपल सी लाइन है जो उनकी ही स्पिरिट को कैप्चर करती है। उसके पीछे एक रिसर्च थी जो कह रही थी कि मिस्टर मोदी की जो इमेज है वो बहुत ऊंची है, तो हम ये कैंपेन एक उनके फेस को लेके चलाएंगे, ये हमारी ब्रीफ थी। नरेंद्र मोदी ट्विटर, फेसबुक और इंटरनेट की दुनिया में छाए रहे लेकिन असली लड़ाई जमीन पर हो रही थी। जिन्हें खुले पैर जमीन पर चलने का अवसर नहीं आया। एक के बाद एक जहां मोदी ने 437 रैलियां की, खिलाफ लड़ने की ताकत रखते हैं तो पीछे तक भ्रष्टाचार का खात्मा हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने देश भर में अपने चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाली। पार्टी ने जब से मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया उसके बाद से मोदी ने करीब 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। 25 राज्यों में 440 रैलियां की। बीजेपी का कोई दूसरा नेता प्रचार अभियान में नजर नहीं आया। मोदी के बाद सबसे ज्यादा रैलियां करने वाले बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी कुल मिलाकर 100 रैलियां ही की। अपनी रैलियों में नरेंद्र मोदी विपक्षियों के मुताबिक शब्दों की कारीगरी से लोगों का ध्यान खींचते रहे। जैसे मुंबई में भ्रष्टाचार और विकास की बात, तो मेरठ पहुंचकर मोदी ने अपनी रैलियों में दंगों की बात की। मेरठ में हर हफ्ता कहीं न कहीं दंगा होता रहता है। ये भाइयों बहनों सच है, आज से 10 साल पहले गुजरात में भी आए दिन दंगे हुआ करते थे। छुरी चाकू चलती रहती थी लेकिन भाइयों बहनों गुजरात की जनता ने तय कर लिया, शांति एकता और भाईचारे से जीना है।
सद्भावना से जीना है, वोट बैंक की राजनीति से मुक्त होना है, विकास की राजनीति का रास्ता अपनाना है और इसके कारण आज गुजरात दंगा मुक्त भी हो गया और विकास के राह पर चल पड़ा। चुनाव के हर चरण हर इलाके के लिए अलग अलग बोली, अलग अलग मुद्दों के साथ नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। मोदी के भाषणों के पीछे एक रिसर्च टीम काम किया करती थी जो उन्हें रैली से पहले भाषण के लिए मुद्दे मुहैया कराती थी। जैसे मोदी गुवाहाटी में रैली करने गए तो भाषण के शुरुआत में ही लोगों की नब्ज पकड़ ली। आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए जय आए आसाम, जय आए आसाम, जय आए आसाम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जबकि इम्फाल में उस अरुणाचली नौजवान की चर्चा की जिसकी दिल्ली में हत्या हो गई थी। द नॉर्थ ईस्ट बीटिंग एंड रिजल्ट डेथ ऑफ नीडो थानियाम ऑफ अरुणाचल प्रदेश राइट इन द नेशनल कैपिटल इज अ नेशनल शेम। मोदी ने अपनी रैलियों के जरिए देश में लगातार राजनीतिक एजेंडा तय किया। पहले चुनावी भाषणों में शहजादा कहकर राहुल गांधी को उकसाते रहे और जब प्रियंका गांधी ने नीच राजनीति लफ्ज का इस्तेमाल किया तो मोदी ने इसे भी घुमाकर अपना मुद्दा आगे कर दिया। आप मोदी का जितना अपमान करना है कर दीजिए, आपको मोदी पे जितनी गालियां है देनी है दे दीजिए, आपको मोदी को फांसी पे लटकाना है लटका दीजिए, लेकिन मेरे नीच जाति के भाइयों का अपमान मत कीजिए, मत कीजिए। रैली पर रैली, 3D रैली, चाय पर चर्चा, ट्विटर, फेसबुक, अखबार, टेलीविजन, रेडियो में विज्ञापन, इन सब में नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों से आगे रहे। लेकिन क्या सिर्फ इन बातों से ही ऐसी जीत मुमकिन है? नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस को इस तरह से इतने अच्छे से बेचा गया कि वो गुजरात में बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं और कल को जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो जितना गुजरात का के लिए उन्होंने किया उतना इंडिया के लिए करेंगे, और गिवन कि कोई और ऑप्शंस थे भी नहीं, यही सबसे अच्छा प्रोडक्ट निकल के आया। और उसके पीछे इतना मार्केटिंग कैंपेन चला, काफ़ी बड़ी मार्केटिंग टीम चलाई गई, सोशल मीडिया ने नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी टीम ने काम किया, तो इतना पैसा खर्च करने के बाद और इतने लोगों के समर्थन के साथ और जब प्रोडक्ट भी अच्छा है और जब कॉम्पिटिटर्स वीक हैं तो ये सक्सेस आनी जाहिर थी। नरेंद्र मोदी की जीत का मास्टर प्लान तैयार करने में मोदी के अलावा अगर किसी और की भूमिका रही है तो वो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS। इस चुनाव में संघ ने पूरी ताकत के साथ मोदी का प्रचार किया। संघ के स्वयं सेवकों ने घर घर जाकर लोगों से वोट करने की अपील की। संघ ने मतदाताओं से जुड़ने के लिए 100% मतदान का अभियान चलाया था। चुनाव नतीजे आने के बाद संघ के बड़े नेता भैयाजी जोशी ने इस बात की तस्दीक की। हमने एक सोचा था जरूर कि सभी लोग जागरूक हो जाए, किसी भी लोकतंत्र में जागरूक सामान्य मतदाता ये देश की बहुत बड़ी शक्ति होती है। दुर्भाग्य से इसमें कुछ कमियां थी। मैं समझता हूं कि इस वर्ष के चुनाव में, इस समय के चुनाव में जनता ने यह जागृति का परिचय दिया है, ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। दरअसल चुनाव में संघ नरेंद्र मोदी को BJP का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के समय से ही सक्रिय था। पार्टी में मोदी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने में संघ ने कोई परहेज नहीं किया, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी ही क्यों ना हो। जून 2013 गोवा, BJP एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही थी। यहां इस बात पर फैसला होना था कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा। पार्टी कार्यकारिणी के ज्यादातर सदस्य नरेंद्र मोदी के समर्थन में थे।
दो दिन की माथापच्ची के बाद बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मीडिया के सामने एक अहम घोषणा की। पूरे चुनावी अभियान को सामने रखते हुए आज मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान स्वरित का चेयरमैन घोषित किया है और लेकिन तभी वो हुआ जिसके आसार पहले से दिख रहे थे। नरेंद्र मोदी को बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। 10 जून को राजनाथ सिंह को इस्तीफे की चिट्ठी भेज दी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से विरोध का ये सबसे दमदार स्वर था। आडवाणी के विरोध को देखते हुए बीजेपी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी सक्रिय हुआ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक सरसंघ चालक जी से आज उनकी बातचीत हुई है और उसके पश्चात उन्होंने यह फैसला किया है, जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसे मैं मानूंगा। ये मोदी की बड़ी सफलता थी, लेकिन इसका मतलब ये था कि मोदी आगे थे, पार्टी पीछे। IIM कोलकाता में असिस्टेंट प्रोफेसर रमेंद्र सिंह के मुताबिक इस फैसले से मोदी और पार्टी दोनों को ही फायदा हुआ। नरेंद्र मोदी को कि सबसे बड़े अचीवर माने जाते हैं, सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं और गुजरात की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी मानी जाती है और गुजरात सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, तो इसकी वजह से नरेंद्र मोदी को सेंटर में लाने की वजह से जो है बीजेपी को फायदा हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बहुत स्ट्रांग इमेज रखते हैं और उनके पीछे कॉर्पोरेट इंडिया भी सपोर्ट करती है। और इस समय जो बीजेपी की स्थिति है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से यही शायद बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती कि बीजेपी को प्रोडक्ट न बना के नामों को प्रोडक्ट बनाया जाए ताकि उनकी जो अच्छी इमेज है वो बीजेपी को ट्रांसफर हो जाए और उसका फायदा बीजेपी को नेशनल पॉलिटिकल लेवल पे हो। बिजनेस की दुनिया से जुड़े ब्रांडिंग और मार्केटिंग की भाषा का इस्तेमाल RSS ने नहीं किया, लेकिन 100% मतदान की मुहिम चलाकर नरेंद्र मोदी की मदद जरूर की। कैरवां पत्रिका ने अपने एक लेख में लिखा है कि इसमें संघ के प्रमुख मोहन भागवत की बड़ी भूमिका रही। मैगजीन ने पत्रकारों से अनौपचारिक एक बातचीत का जिक्र किया है जिसमें भागवत ने कहा था कि मोदी अकेले ऐसे आदमी हैं जो RSS की विचारधारा से जुड़े हैं। 2014 के चुनाव को RSS कितनी अहमियत देता है इसका अंदाजा संघ प्रमुख की इस बात से लगता है। अगर हम 2014 में जीतते हैं तो बीजेपी अगले 25 साल तक सत्ता में रह सकती है और अगर हारते हैं तो हम सभी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें अगले 100 साल तक हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। लिहाजा अपने प्रचारक को प्रधानमंत्री बनाने के लिए RSS शुरू से ही इस चुनाव में सक्रिय रहा। चुनावी प्रचार के तरीकों में एक वैज्ञानिकता और व्यवस्थित होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। योजनाबद्ध तरीके से संघ ने बूथ के स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है और यह काम सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी की जो अपील थी कि 100% हम वोटिंग को इंश्योर करें, तो दिखाई पड़ रहा है चुनाव के समय काम, लेकिन वस्तुतः संघ ने पिछले अक्टूबर माह से ही इसकी योजना बना ली थी कि किस प्रकार से इस बार चुनाव में हमें दखल देना है। और मैं कहता हूँ यह संघ का दखल निर्णायक, ऐतिहासिक और परिणामकारी दखल है। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम के चुनाव से लेकर मोदी के लिए वोट मांगने तक संघ पूरी मजबूती से मोदी के साथ खड़ा रहा। RSS का ऐसा समर्थन मोदी की जीत की बड़ी वजह बना। इन तमाम बातों के साथ एक और बात कही गई, कहा गया कि मोदी ने चुनाव नहीं जीता बल्कि कांग्रेस चुनाव हारी। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिया। बहरहाल एक बात तो साबित हो गई कि देश की राजनीति नरेंद्र मोदी के चारों ओर घूमती रही, या यूं कहे कि वो घुमाते रहे, कभी अपने काम से, कभी अपने बयानों से, कभी अपनी रैलियों से, कभी ट्वीट्स तो कभी ब्लॉग्स। लेकिन कहानी आगे बढ़ चुकी है,
नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब उनका अगला मास्टर स्ट्रोक 7 RCR से खेला जाएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते।